जो पत्थरबाजी हुई और दूसरी तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठियां चटकाई गईं, कई लोग भाजपा के भी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पर सफाई आई कि रिपोर्ट सही नहीं होने की वजह से झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं सुबह से कि किस तरह से सदन से लेकर सड़क तक क्या स्थितियां आज बनी थी भारतीय जनता पार्टी के इस हल्ला बोल को लेकर जो आज उसने सरकार के खिलाफ शुरू किया है। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है LIU वो पूरी तरह से इस परिस्थिति से निपटने में नाकाम रही है और इस नाकामी का ठीकरा अब वो रिपोर्ट के सही आकलन के न हो पाने को बता रहा है। रिपोर्ट सही नहीं थी इसलिए झड़प में कई लोग घायल हैं, जबकि इस इंटेलिजेंस यूनिट का काम काफी पेचीदा होना चाहिए। ब्रिजेश सिंह हमारे यूपी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, LIU पूरी तरह से फेल रही है आज और जो दलीलें दी गई हैं क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? देखिए राजीव, आपको बता दें कि आज जिस ढंग का प्रदर्शन भाजपा ने किया है इसकी इससे निपटने की तैयारी जो है पुलिस ने नहीं की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा कार्यकर्ता तो पीटे ही पीटे, साथ ही राहगीर जो थे उनकी पुलिस ने पिटाई की, उनको चोटें आई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा प्रदर्शन था जो है उच्च अधिकारियों को मालूम था, फिर भी जो है पुलिस की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी व्यवस्था नहीं थी, और जिसका नतीजा जो विजुअल चल रहे हैं उसमें दिख रहा है। पुलिस के उच्च अधिकारी इस बात को समझ लिए